आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है आदर्श ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान कितना होता है। आप इस चित्र में उभयनिष्ठ आधार के लिए यहाँ पे यह चित्र देख रहे हैं, उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर के लिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक पीएनपी ने यहाँ पर ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। तो हम जहाँ जो उभयनिष्ठ आधार है, तो हम देखते हैं कि जो निवेश है वह हम यहाँ पे दे रहे हैं, तथा निर्गत यहाँ से हम संग्राहक से तथा आधार से हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो उत्सर्जक आधार को हम यहाँ पर अग्र अभिनीति में रखे हैं, अर्थात जो उत्सर्जक है उसे हम बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, तथा जो उत्सर्जक है उसे हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, तथा आधार को यहाँ से हम इस प्रकार से संयोजन करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि जो आदर्श ट्रांजिस्टर के लिए हमें इस प्रश्न में पूछा है अल्फा का मान कितना होता है। तो जो अल्फा होता है, अल्फा को हम धारा लाभ कहते हैं। तो जो धारा लाभ होता है यहाँ पास आईसी बटे आईई होगा। तो जब हम देखते हैं कि जब आदर्श ट्रांजिस्टर होगा तो उसके लिए आई बी का मान शून्य होगा। तो जो आई ई, हम जानते हैं आई ई बराबर क्या होता है, आई बी आई सी। तो यहाँ जब आई बी का मान शून्य होगा आदर्श ट्रांजिस्टर के लिए, तो आई ई बराबर आई सी होगा। तो यहाँ से हमें आई सी बटे आई ई का मान तो हम रखेंगे, तो आई सी बराबर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, आई ई रख सकते हैं, था आई ई बटे आई ई। तो यहाँ पर हमें जो है जो अल्फा का मान जो है वह एक प्राप्त हो जाएगा। जो हमें यही पूछा गया था कि जो आदर्श ट्रांजिस्टर उसका अल्फा का मान कितना होना चाहिए, तो आदर्श ट्रांजिस्टर के लिए जो अल्फा का मान है वह एक हम लेते हैं। तो इसका जो अल्फा का मान क्या होगा, एक प्राप्त हो जाएगा। तो अल्फा का मान एक होगा, आदर्श ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान एक प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।